हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार का 11 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में जश्न मनाने की तैयारी है। इस मौके पर सरकार की पूरी टीम इन दिनों इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी है। राज्य सचिवालय में आयोजन को लेकर रोजाना बैठकों का दौर भी चल रहा है। इस बीच कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यकाल की तैयारियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बैठक की, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने सरकार के एक साल के कार्यों को बेमिसाल बताया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस पार्टी के सरकार का एक साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है, और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस उपलक्ष में उपस्थित रहेंगे। और एक साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि हालांकि ये एक साल बहुत चुनौतियों भरा रहा है, आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को नुकसान इस पूरे एक साल के कार्यकाल में, खास करके बारिशों के सीज़न में हमको देखने को मिला, करीबन 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। उसके बावजूद हमने मिलकर अपनी सभी बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है, बहुत सी चीज़ों को पूरा भी किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश के अंदर लागू किया है, और जो भी और हमने चुनावी वादे किए हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार पूरा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित होने वाले जश्न के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर पूछे गए सवाल का प्रतिभा सिंह ने क्या जवाब दिया, सुनिए आप भी। देखिए, सरकार को बने एक साल हो गया, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि बीच में ये मौसम खराब होने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से आपदा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई, जिसमें हमारे कम से कम 4-5 महीने बीत गए और हम इस बात को सिरे नहीं चढ़ा पाए। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि आप भी संगठन के आदमी हैं, आप भी संगठन से जुड़े हैं, आप भी बार बार इस बात को कहते हैं और हमें खुशी है कि हमारा संगठन का आदमी आज एक मुख्यमंत्री बना है। तो हम चाहते हैं कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते हैं, खुद जानते हैं कि हम, चाहे वो NSU है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, इंटक है, सभी को हमको साथ लेकर चलना है। अब इन सब को तवज्जो भी देनी है, इनको भी मान सम्मान देना है। हमारे एक्स सर्विस मैन है, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद हिमाचल प्रदेश में, उनके लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे को पद देना पड़ेगा ताकि सभी उसमें इम्पोर्टेंट फील करें और अगले चुनाव में वो भी अपना योगदान हमारे को दें। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और अग्रणी संगठन के प्रमुख शामिल हुए। साथ ही उस बैठक में समारोह की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, साथ ही पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां भी दी गई। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।